महिलाओं को इतना करो, लेकिन एक टीकमगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा और कर दीजिए, और माननीय जी आपसे एक और कहना चाहती हूँ कि हम मोहनगढ़ से हैं, रजक परिवार से हूँ, गरीब हूँ, लेकिन हम एक कहना चाहती हूँ कि जो हमारे मोहनगढ़ में स्वास्थ्य विभाग है उसमें स्टाफ की कमी है, तो ये हमारी पीड़ित महिलाएं जाती हैं तो बहुत परेशानियों से गुजरती हैं। और दूसरी बात ये है, रानी जी आपकी पढ़ाई क्या हुई है? अभी हम तो अनपढ़ है, ऐसे 8वीं पास है, ज्यादा नहीं है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। देखिए आपने जिस तरह से बात की, आपके मन में जो विचारों की स्पष्टता है, बात में जो आपका आत्मविश्वास है, मैं सचमुच में आपको बहुत बधाई देता हूँ। और जो आपका सपना है अपने बच्चों को पढ़ाने का, मुझे विश्वास है आप एक जागरूक माँ है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि आप आपके बच्चे बहुत प्रगति करेंगे। और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ, और मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे पास इतने छोटे परिवार से, गरीब परिवार से आई कम पढ़ी बहन भी समाज के लिए इतनी जागरूक है, चिंता करती है। देखिए आप सब कार्यकर्ताओं से आज मुझे बात करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा आज का यह संवाद हमें कुछ नया करने की प्रेरणा देगा। मैं फिर से एक बार आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इस दीपावली में आप फिर एक बार संकल्प को दोहराना कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, चुनाव हो या न हो, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस संकल्प को कभी भी भूलना नहीं है। बूथ के किसी भी परिवार में हम जाएं, वो हमें नाम से बुलाने चाहिए। हम उस परिवार में जाएं, तो हमें पता होना चाहिए उस परिवार का हाल क्या है, तकलीफ क्या है, अच्छे बुरी स्थिति क्या है। जितना